झारखंडी भावनाओं की बात करने वाली पार्टी के साथ झारखंड के मूलवासियों का जुड़ाव होगा ही, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये माटी की पार्टी है और झारखंडी भूमि पुत्र को जो यहाँ सम्मान है वो और कहीं नहीं। मुख्यमंत्री का शेड्यूल कल बता सकते हैं आप क्या हो? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो अपनी लीगल टीम से बात करके इन चीज़ों को तय करते हैं। ये जो आज नज़ारा दिखा, आखिरी सवाल है, क्या आगे भी दिखेगा? मुक्ति मोर्चा की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग निश्चित रूप से और भी आएंगे, जुड़ेंगे। बीजेपी, आरजेडी और माले के कई कार्यकर्ता हजारों की संख्या में आ जाकर जेएमएम की सदस्यता ग्रहण की। इसमें बीजेपी के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी भी थे। हमारे साथ जेएमएम के विधायक सुदीप सोनू हैं। कितना ये हर्ष का विषय है अगर दूसरे पार्टी या दूसरे दल के लोग आ रहे हैं आपके? निश्चित रूप से हेमंत बाबू की सोच, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा और दिशम गुरु शिबू सोरेन में आस्था जताते हुए लोग अगर आ रहे हैं तो ये तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। तो ये पहल आपकी ओर से किया गया था या जयप्रकाश वर्मा ने खुद आपको अप्रोच किया था? पार्टी राजनीतिक तौर पर विश्लेषण करती है कि कहाँ पर किसको कैसे क्या करने से बेहतर रहेगा। निश्चित रूप से संगठन ने विश्लेषण किया और यह कार्यक्रम फलीभूत हुआ। अगर संगठन कर रहा है तो इसका मान ना चाहिए कि संगठन इस तैयारी में है कि चुनाव बहुत जल्द होगा? संगठन आगामी चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। चुनाव जब भी हो, कोई उसके लिए चिंता का विषय नहीं। सुदीप जी गिरिडीह में हैं, वहाँ के विधायक हैं, आसपास के विधानसभा क्षेत्र को आप अच्छी भली भांति तरीके से जानते हैं। अगली बार कितना सीट गिरिडीह जिला से पार्टी के खा? 6 में से 3 सीटें हमारे पास हैं। लोकसभा की दोनों ही सीटें हमारे पास नहीं हैं और निश्चित रूप से यह कवायद है कि लोकसभा की दोनों ही सीटें और ये 3 की जो टैली है, इस टैली को बढ़ाकर हम लोग 5 तक ले जाएं, यह प्रयास है। क्या वजह रखता है आपको, क्यों दूसरे दल के लोग आ रहे हैं? निश्चित रूप से झारखंडी भावनाओं की बात करने वाली पार्टी के साथ झारखंड के मूलवासियों का जुड़ाव होगा ही, क्योंकि उनको ये मालूम है कि ये माटी की पार्टी है और झारखंडी भूमि पुत्र को जो यहाँ सम्मान है वो और कहीं नहीं है। एक तरफ आप लोग संगठनिक तैयारी कर रहे हैं, चुनाव की तैयारी में हैं, दूसरी तरफ ईडी, इनकम टैक्स, इन लोगों का छापा पड़ रहा है विधायकों के यहाँ, आप के मुख्यमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष को नोटिस आ रहा है। एजेंसीज के कार्यकलाप पर मेरी कोई टिप्पणी उचित नहीं है। मेरा यह मानना है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के हैसियत से राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जुड़ा हुआ है और यकीन जानिए 24 में और बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे। क्या मुख्यमंत्री का शेड्यूल कल बता सकते हैं आप क्या हो? नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो अपनी लीगल टीम से बात करके इन चीज़ों को तय करते हैं। ये जो आज नज़ारा दिखा, आखिरी सवाल है, क्या आगे भी दिखेगा? मुक्ति मोर्चा की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोग निश्चित रूप से और भी आएंगे, जुड़ेंगे। शुक्रिया। पार्टी को ऐसा लगता है कि 1932 का खतियान और ओबीसी आरक्षण समेत झारखंडी भावना से जो पार्टी चलती है और जो झारखंडी लोग हैं उससे अटैच हैं, लिहाजा इस तरीके का आयोजन अब आगे भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरे दल से भारी की संख्या में लोग आएंगे और जेएमएम की सदस्यता लेंगे। कह रहे हैं केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई पर टिप्पणी तो करना उचित नहीं होगा मेरा, लेकिन हाँ, संगठन अपने ओर से तैयार है, अगला जब भी चुनाव होगा दमदार उपस्थिति दर्ज की जाएगी जेएमएम के द्वारा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in